गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं 9.4 के नेक्स्ट सम। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, बाइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से ही आपने मल्टीप्लाई करनी है। थर्ड सम इज ए स्क्वायर प्लस बी एंड ए प्लस बी स्क्वायर। फर्स्टली आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए ए स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ले ली सेकेंड टर्म ए प्लस बी स्क्वायर, फिर ये प्लस बी को, ये प्लस बी हमने बाहर राइट कर लिया और इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर से। तो कीजिए मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को ए से करोगे तो ए की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो कितनी होगी, पावर 3। ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई साइन नहीं आएगा बीच में। नेक्स्ट है आप बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, फिर b को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो b की पावर 3। तो इसी तरीके से आपने इसके जो बाकी के सम है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। एंड थर्ड पार्ट इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट सम इज एक्स स्क्वायर माइनस 5, नेक्स्ट है x प्लस 5, फिर नेक्स्ट है प्लस 25। वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से x प्लस 5 से, फिर माइनस 5 देखिए बाहर लिख लिया, इसको भी हम करेंगे x प्लस 5 से। 25 को हम इनके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 25 जो है हमारा ब्रैकेट के बाहर है, वो हमारा अलग ही रहेगा इस तरीके से प्लस 25। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 5 को x से करोगे तो माइनस 5x, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 25, और ये वाला 25 एज इट। आप देख सकते हैं ये दोनों प्लस माइनस है, तो 25 में से 25 लेस करोगे तो 0 आएगा, तो हमने इसको कट कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो इसका सेकंड थर्ड आपको खुद ट्राई करना है। फोर्थ सम है देखिए a प्लस बी ब्रैकेट सी माइनस डी। पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, नेक्स्ट फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्टली स्टेप पे आप क्या करोगे, देखिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर नहीं है, ए है, ए को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी माइनस डी से। फिर प्लस बी को भी किससे करोगे, सी माइनस डी से। प्लस का साइन है तो प्लस डालिए। फिर इस ए को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी प्लस डी से। और इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए ए सी से तो आ गया 2ac, और 2 को बी डी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2bd। तो अब अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, a को c से करोगे ए सी माइनस ए डी। नेक्स्ट है प्लस का bc प्लस माइनस माइनस bd। नेक्स्ट a और c को मल्टीप्लाई करोगे ac, a और d को करोगे तो ad। फिर माइनस b एंड c को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस bc, फिर माइनस बी को डी से करोगे तो माइनस बी डी। इसको एज इट ऐसी लिखिए 2ac एंड 2bd। फिर हम देखिए क्या करते हैं, जो ac वाली टर्म्स है उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ये देखिए ac, यहाँ पे भी ac एंड यहाँ पे 2ac, तो हमने इन सभी को क्या कर लिया, इकट्ठा राइट कर लिया। उसके बाद ad वाली टर्म्स माइनस ad, ये रहा प्लस ad, माइनस ad एंड प्लस ad। उसके बाद b वाली टर्म देखिए bc और ये रहा माइनस bc, फिर माइनस bd एंड माइनस bd, और ये है हमारा 2bd। तो आप इनको काउंट कीजिए, तीनों प्लस में है तो प्लस कीजिए, 2, 1 एंड 1, कितने हो गए 4ac। माइनस ad से प्लस ad आपस में कैंसिल हो गया, bc से माइनस bc भी क्या हो गया, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए 2bd, और यहाँ पे भी है प्लस 2bd। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए माइनस प्लस, फिर ये आपस में दोनों क्या हो गए, सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये भी आपस में कट हो गए। तुम्हारा आंसर आ गया 4ac। तो ध्यान से करना है आपने इस सम को। और देखिए इस एक्सरसाइज के ये वाले जो सम है सेकंड और थर्ड पार्ट, वो आपको कंप्लीट करना है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।